अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की रेसिपी हमारी करी चावल की है। चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने दही लिया है, एक प्याली दही ली है। इसे मैं बाउल में डाल लूँगी। ये अच्छे से फेंट लिया मैंने। इसके अंदर अब हम पानी डालेंगे। पानी इतना होना चाहिए कि ये बिल्कुल पतला सा हो जाए। मैंने 3 से 4 प्यालियाँ इसमें ऐड की थी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल पतला सा पानी मैं इसमें 7 से 8 चम्मच बेसन के ऐड करूँगी। ये टीस्पून है। और अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई भी गुठली नहीं बननी चाहिए। ये करी का फर्स्ट स्टेप है और मेन स्टेप है। चलें जी, बेसन हमारा मिक्स हो चुका है। चलें अब इसे पकाने की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1/2 कप ऑयल। इसके अंदर मैं थोड़ा सा प्याज ऐड करूँगी। मसाला आप जितना बनाना चाहें उतना, जितनी करी आप रखना चाहें उतना रख लें। मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया था, इसे हल्का सा सॉटे किया। इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके अंदर टमाटर और मिर्ची ऐड की है मैंने। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और 6 से 7 मिर्चें ली थी। गरम मसाला 1 टीस्पून, सुरख मिर्ची 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून। हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ होती है बाकी हांडी में की नस्बत। और इसे अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसालों को आपने जलने नहीं देना, मेन बात है। अगर मसाला आपके जल गए हैं सारी हांडी का जायका ख़राब हो जाएगा। अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं पालक ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपने करनी है तो कर लें, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने इसलिए यूज़ की थी ताकि थोड़ा सा जो करी है वो हमारी थोड़ी सी थिक हो जाए। अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसके अंदर जो हमने सबसे पहले स्टेप में बनाया था पानी, वही मैं इसमें ऐड करूंगी। जो दही का पतला सा पानी हमने बनाया था बीच में बेसन डाल के, वो इसमें आस्ता आस्ता ऐड करेंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे। इसे स्टेप बाय स्टेप हिलाते जाना। चलें साथ ही हम पकौड़े बना लेते हैं। मैंने पालक लिए, 2 से 3 आलू लिए थे, उन्हें बारीक काट लिए। 2 मिर्चें लिए सब्ज, उन्हें बारीक काट लिए। 1 प्याली बेसन की, 1/2 अनारदाना, 1/2 सूखा धनिया, इसे हाथ में मैश करके डाल, इसे खुशबू बहुत अच्छी आती है।
अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड किया ताकि पकौड़े जो हैं क्रिस्पी बने। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालना तो मत डालें, आप बेसन का यूज़ ज़्यादा कर लें। मैंने सुरख मिर्च, हल्दी, नमक और गरम मसाला इसमें भी ऐड किया। चलिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है और करी भी तकरीबन पक चुकी है। से मज़ीद पकाएंगे, तब तक पकाते रहेंगे जब तक इसमें जागा ना बंद ना हो जाए। चलिए साथ हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं।